हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सी लाइव पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं लेसन फर्स्ट का न्यूमेरिकल, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व किए थे। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 की आगे की जितने भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपने लेसन फर्स्ट के सारे टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए। हमारे प्ले लिस्ट पर वैद्युच्छित आवेश के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट पर लेसन फर्स्ट के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल हैं। तो पहले आप जाइए, लेसन फर्स्ट की अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फिर आगे आप न्यूमेरिकल लगाइए, तब आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है चार बिंदु आवेश क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी इतना 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष पर क्या है, शीर्ष पर अवस्थित है, माने स्थित है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वर्ग बनाता हूँ, एक वर्ग है, ठीक है। देखिए ये वर्ग है कि नहीं, तो बिल्कुल ये एक वर्ग है। चार वर्ग है, एक है ए एक है बी एक है सी और एक है क्या टी, ठीक है। क्यू ए बराबर 2 माइक्रो कूलाम, यानी ए पर जो आवेश है वो है 2 माइक्रो कूलाम। क्यू बी बी पर जो आवेश है वो -5 माइक्रो कूलाम, ठीक है। क्यू सी यानी सी पर जो आवेश है वो क्या है, 2 माइक्रो कूलाम। क्यू डी यानी डी पर जो आवेश है वो कितना है, -5 माइक्रो कूलाम, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, वर्ग हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या, बी सी बराबर क्या, सी डी बराबर क्या, टी ए, और सबकी वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा और ये मीटर में हो जाएगा, इसी ये कटेगा तो बराबर आ जाएगा 1/10 मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल निकालिए। तो यहाँ केंद्र पर रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलाम आवेश और उस पर कितना बल लग रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं ये। तो पहले आप ध्यान से देखिए, अगर इसको हम मिलाएं ऐसे तो मिलाने पर इसको बिकर्ण बोलते हैं, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, बी सी डी, बी सी डी में, ठीक है। क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण माने क्या, तो ये जो बी और डी है ये कर्ण है, तो बी डी माने कर्ण का स्क्वायर, तो कहोगे बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू क्या है, ये बी सी है, तो बी सी लंब है, इसकी वैल्यू क्या है, 10 ही है। 10 माने क्या, 1/10 है, तो 1/10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर। आधार माने इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी 1/10 ही है, 1/10 माने वही 10 सेंटीमीटर था ना, तो 10 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट किया 1/10 मीटर में, ठीक है। तो इसका भी वर्ग कर दिया। चलिए आगे देखिए, ये देखिए ये है बी डी का वर्ग, और ये दोनों सेम सेम है, जुट जाएगा, हो जाएगा 2 × इतना माने क्या, 1/10, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये जब बी डी का स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, पूरा रूट में हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट में 2 ही रहने देते हैं, 1/10 स्क्वायर है, वर्गमूल निकल जाएगा, आएगा क्या, 1/10, बस ऐसे रहने दो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखो इसको मान लो वो इसी पे हमको रखना है आवेश, तो ये वो मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं वो है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये पूरा जो है वो बेडी की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमको ये वैल्यू चाहिए, हमको ये वैल्यू चाहिए, हमको ये वैल्यू चाहिए, हमको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये बीकर्ण होगा वही ये भी बीकर्ण होगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू अगर इतनी है तो आधी वैल्यू चाहिए, तो 2 से भाग कर दो, यानी अगर ओडी आप चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, ओडी, तो इसी में 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी जो बीडी है पूरा उसमें 2 से भाग करोगे, इसमें तो उसे भाग करोगे तो आएगा रूट में 2/2, और यही आएगा 1/10, 1/10 है तो यहाँ पे लिख दो 1/10, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आ रही होगी। गुणा करोगे ऊपर तो आएगा रूट में टू और बटा इसका, इसमें गुणा करोगे तो आएगा पी से, और मात्रक मीटर में आपने कन्वर्ट किया था तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ओ डी की वैल्यू आई है यही है बी ओ की भी वैल्यू, यही वैल्यू ओ बी की भी है, और यही वैल्यू ओ सी की भी है, और यही वैल्यू ओ डी की भी है। ठीक है, ओ डी ओ ए यानी जो चारों डायरेक्शन है ना सभी वैल्यू वही है, रूट में टू बटा 20 मीटर। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर होगी कि नहीं? तो बिल्कुल इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो आवेश पर लगने वाला बल, इसके सेंटर पर रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलाम का आवेश, इसी पे इसी आवेश पर कितना बल लगा रहा है, लग रहा है उसी बल को निकालना। तो पहले आप देखो, ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा। तो पहले सारे बल को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इस पे बल लगाएगा मान लेते हैं वो बल F1 है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, दूर भगाते हैं। तो ये वाला क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, ये वाला इसको दूर भगाएगा, दूर भगाएगा मान लीजिए इधर भगा रहा है। ठीक है, तो ये जो बल लगा रहा है मान लीजिए F1 है। ठीक, तो F1 निकालिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं, बल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4π ε₀, और होता है Q1Q2/r² ये होता है बल का फार्मूला। तो इसके इसके बीच लगने वाला बल F1 है, तो पहले आप F1 निकाल लीजिए। ठीक है, F1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4π ε₀ Q1Q2/r² इस जो पूरे की वैल्यू होती है 1/4ε₀ की वैल्यू वो होती है 9×10⁻¹। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या है, तो Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रो, 2 माइक्रो को बोलते हैं 10⁻¹, तो ये हो गया 2 माइक्रो। गुड़े Q2 की वैल्यू है 1 माइक्रो, 1 माइक्रो माने 10⁻¹। ठीक है, बटा R², R माने क्या, यही जो डिस्टेंस है उसी का वर्ग करना है। तो ये डिस्टेंस कितना था, तो हम लोग पहले जानते हैं कि जो डिस्टेंस था ये यही है कि नहीं? अरे ये माने क्या, OA, OA की वैल्यू कितनी है, तो OA की वैल्यू है यही रूट में 2/20, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट में 2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 20 का वर्ग करोगे तो 400 आएगा, 400 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं, तो बिल्कुल कट गया। चलो आगे देखते हैं, देखिएगा ये 9, 9 चौक 36, तो 9 चौक क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3600 3600 कर दो। देखो ये 9 है, ये 6 और 6 12 हो जाएगा, -12 से जब 9 जाएगा तो आएगा -3, तो √10⁻¹। इसको ऐसे ही रहने दो, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसे रहने दो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा आगे देखिए, एक बार ये कितना बल लगा रहा था ये तो निकल गया, अब देखो ये कितना बल लगा रहा है, फिर देखेंगे ये कितना लगा रहा है, फिर देखेंगे ये कितना लगा रहा है। ठीक है, तो इसका तो निकल गया, अब देखिए ये इस पे कितना बल लगा रहा है, ये माने क्या, इसको मान लीजिए F2 है, तो ये भी क्या है +2 है, ये भी क्या है +1 है। तो ध्यान देना, यहाँ पे +2 माइक्रो कूलाम +1 माइक्रो कूलाम, तो बल की वैल्यू इतनी आई। अच्छा मैं आपको बता दूँ, हाँ बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये प्लस है तो इस पर क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षित इधर करेगा, और इसकी वैल्यू मान लीजिए F2 है। ठीक है, तो ये इस पे जितना बल लगाया था इतना, वो भी ये भी इस पे क्या करेगा, उतना ही बल लगाया, क्योंकि आवेश क्या है, सेम सेम है। तो इसी प्रकार F2 की जो वैल्यू आएगी, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो और चाहो तो लिख सकते हो। इसी प्रकार F2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यही आएगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो आएगा 3600×10⁻¹ क्या, माइनस इतना न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, मतलब F1 का डायरेक्शन F2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो आप लिख सकते हो ये पॉजिटिव में, तो इसको आप निगेटिव में कर सकते हो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ध्यान दो, अपोजिट नहीं, सिंपली है, मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है, लेकिन जितना बल इस आवेश पर ये इधर लगा रहा है उतना ही बल इधर भी लग रहा है, तो इसी आवेश पे 2 बल लग रहा है, एक इधर एक इधर, अगर 5 न्यूटन का इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन का इधर भी लग रहा है, तो ये जो आवेश ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मतलब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं, फिलहाल इतना समझते हैं, दोनों का डायरेक्शन विपरीत था इसलिए मैंने दोनों को, एक को प्लस ले लिया, एक को माइनस ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। अभी ये भी क्या करेगा, ये वाला भी इस पे आवेश लगाएगा,
मतलब ये वाला जो -5 माइक्रो कूलाम है, ये भी क्या करेगा, 1 माइक्रो कूलाम पर बल लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल लगाएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस का चिन्ह विपरीत है, तो आकर्षण बल लगेगा, मतलब ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा कि नहीं, तो बिल्कुल खींचेगा, तो ये खींचेगा अपनी ओर। तो मान लीजिए ये जो बल लगा रहा है वो F3 लगा रहा है, ठीक है, तो F3 बल लगा रहा है, तो इसको निकाल लीजिए, तो F3 बराबर फिर वही फॉर्मूला 1/4π ε0 Q1 Q2 r² तो 1/4π ε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू मान लीजिए ये Q1 है, Q1 माने 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶ क्या होती है, -6 / Q2 दे -5 माइक्रो कूलाम। अब मैं आपको बता दूं, कभी भी देखिए इस पूरी के बराबर बल आ रहा है, बल एक सदिश राशि है, और जब भी ये सदिश राशि होता है तो इधर कोई भी चिन्ह निगेटिव में नहीं रखते। अब एफ -5 माइक्रो कूलाम है तो उसको पॉजिटिव में रखोगे, पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, हमेशा रखोगे, ठीक है, तो -5 माइनस नहीं रखोगे, 5 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ और बटा r², क्योंकि फॉर्मूले में r², r माने क्या, यही डिस्टेंस, तो वो भी डिस्टेंस वही होगा, मतलब क्योंकि सारे डिस्टेंस क्या थे, वही थे, क्या थे डिस्टेंस, √2/20, तो वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग करोगे 2 आएगा, 20 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा ऊपर 400, ठीक है। चलते हैं आगे देख लेते हैं, देखिएगा, देखिए 2 × 2 और 2 × 2 = 4, ऊपर 200 बचेगा, ठीक है, देखो 9 9 5 45, 2 × 11 90 माने क्या 900, माइनस से जोड़ोगे -12 हो जाएगा, हुआ कि नहीं, बिल्कुल होगा, और 12 में से जब 9 घटेगा तो क्या आएगा, -3, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, -3, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये इसको अपनी ओर खींचा इधर, वैसे ही अगर मैं ये भी इस पे बल लगाएगा, ठीक है, लेकिन ये -5 है, ये +5, ये +1 है, तो ये दोनों आकर्षण करेंगे, मतलब ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो मान लीजिए इधर जो खींच रहा है वो बल F4 है, क्या है, F4 है। ध्यान दीजिएगा, जो जो कंडीशन इसके साथ थी वही सेम सेम कंडीशन इसके भी साथ है, या अब इसे 1 माइक्रो गुलाम -5 माइक्रो गुलाम, 1 माइक्रो गुलाम -5 माइक्रो गुलाम, बीच की दूरी भी वही है, तो जो बल यहाँ पे होगा वही बल यहाँ पे भी होगा, यानी F4 की वैल्यू भी वही होगी जो F3 की थी। तो आप कह सकते हो इसी प्रकार F4 की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, 900 × 10⁻³ - 3 न्यूटन। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि बल का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखो सिंपली आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई भी टुकड़ा रख दो तो इसको इधर भी खींचा जाएगा, इधर भी खींचा जाएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है इसलिए कहीं नहीं जाएगा। अब इसको इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है इसलिए कहीं नहीं जाएगा, तो चारों बल को अगर जोड़ दोगे तो बल 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो 1 माइक्रो कूलाम था उस पर लगने वाला कुल बल, तो 1 माइक्रो कूलाम पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, अब कुल बल माने क्या, कुल बल माने F, और यह बराबर चारों बल, F+F2+F3+F4, यही तो चारों वैल्यू उठा के यही पटक दो। F बराबर F1 की वैल्यू क्या थी, तो F1 की वैल्यू उन्होंने निकाले थे 3600 × 10⁻³। F2 की वैल्यू भी हम लोग निकाले थे, लेकिन निगेटिव में आया था, वही वैल्यू था लेकिन निगेटिव था में था, -3600 × 10⁻³ क्या, -3। तो ध्यान दीजिएगा ये इतना है, और इसी के बीच में देखो प्लस था, तो मैं लिख देता हूँ प्लस, लिख देता हूँ F2, तो F2 की जो वैल्यू है वो है माइनस में, ठीक है, तो लिख दिया माइनस, बीच में प्लस है तो लिखा फिर प्लस, ठीक है। F3 की वैल्यू क्या है, तो F3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, 900 × 10⁻³ - 3 आया, तो 900 × 10⁻³ - 3, फिर प्लस है तो लिख देता हूँ प्लस। F4 की वैल्यू क्या है, तो F4 की वैल्यू वही चीज़ है लेकिन निगेटिव में है, तो -900 × 10⁻³ - 3। अब जब जोड़ोगे तो ये पूरा इस पूरे के बराबर, लेकिन चिन्ह में विपरीत इसलिए कट जाएगा,
ये पूरा इस पूरे के बराबर है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है, इसलिए क्या होगा, कट जाएगा। तो यब बराबर क्या आ गया, 0, यानी उस 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर जितने भी बल लग रहे हैं सारे बल क्या होंगे, 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में जो 6 था उसको देखा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत टाइम ले लिया, अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में 7 क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये रहा क्वेश्चन में 7। 7 कुछ नहीं है, बस ध्यान से आप देखिएगा खाली। 7 क्या कह रहा है, कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, इसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा, एक संतत वक्र। संतत माने क्या, लगातार। जैसे मान लो कोई रेखा है, अगर यहाँ गई फिर कट गई, फिर यहाँ से निकली फिर कट गई, फिर यहाँ से निकली फिर कट गई, फिर यहाँ से निकली फिर कट गई, तो उसको बोलते हैं असंतत। लेकिन अगर वो कट नहीं रही है, एक सीधी रेखा में चल रही है, तो उसको बोलते हैं संतत। संतत वक्र होती है, अर्थात कोई रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, जिसको यहाँ पे स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा गया है, इसके किसी भी पॉइंट पे ना, किसी भी पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचते हो ना, तो इस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा क्या करती है, इसके बल की दिशा बताती है कि बल किधर लगेगा। तो बल, या बल यहाँ पे बल की दिशा देखो इधर जा रही है, अगर यहाँ पे बल निकालना है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दो, दिशा इधर जा रही है। यहाँ पे अगर बल निकालना है तो यहाँ पे खींच दो स्पर्श रेखा, देखो दिशा इधर जा रही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये जो स्पर्श रेखा, ओ सॉरी, जो ये बल रेखाएं होती हैं, इन बल रेखाओं पे अगर कोई किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, तो उस बिंदु पर बल की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है वो निकल जाती है। अगर यहाँ पे निकाला है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो बस केवल क्या करो, उस पर स्पर्श रेखा खींच दो, अपने आप निकल जाएगी कि उसकी दिशा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, उस बिंदु पर किधर है। ठीक है, तो कह रहा है एकाएक नहीं काट सकती है, क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एकाएक काट दी, मान लो यहाँ से आई काट के फिर यहाँ इतना छोड़ दी, तो इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र, तो निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा जिधर जाएगी उधर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। देखो यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं निकाल सकते हो। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं, यानी स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, कभी भी एक दूसरे को काट, सॉरी, कभी भी क्या बोले बोल कभी भी टूट ही नहीं सकती, क्योंकि टूट जाएंगी तो जिस बिंदु पर टूटेंगी वहां पर हम वैद्युत चिकित्सा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा है अस्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, बल रेखाएं माने क्या, जैसे मान लो एक बल रेखा इधर है, एक बल रेखा यहां पे है। ठीक है, अगर मान लो प्रतिच्छेद कर दी, क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी, तो इस बिंदु पर एक नहीं बल्कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक तो इधर और एक इधर, देख लो खींच जा रही कि नहीं। अरे एक इस पे मैंने खींचा स्पर्श रेखा, एक इस वक्र पे खींचा, फिर से देखते हैं, ऐसे है ना, तो ये एक वक्र है कि नहीं है, तो इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया, अब ये भी एक वक्र है, तो इस पे भी क्या हुआ, स्पर्श रेखा खींचा गया। अब ये स्पर्श रेखा कह रहा है कि बल की दिशा इधर है, और ये स्पर्श रेखा कह रहा है कि बल की दिशा इधर है, यानी पॉइंट एक ही है, और एक ही पॉइंट पर बल यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो दो है, समझ रहे हो ना। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक नहीं बल्कि दो दो दिशाएं हो जा रही हैं, जो कि असंभव है, कभी भी एक बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, एक बिंदु पर बल या वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं केवल एक ही होती है, दो नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 7 में देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन 6 या 7 कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, मैं आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसका समाधान जरूर करूंगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई हैं। तो दो आवेश है, एक QA की वैल्यू क्या है, तो है 3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और QB की वैल्यू क्या है, तो QB की वैल्यू है -3 माइक्रोकूलाम। ठीक, ये निर्वात में रखी गई है, मतलब एप्सिलॉन जीरो लोगे, और बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यानी दूरी मान लेते हैं आर है,
कितना है? 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, ये मीटर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 करने तो 2 5 10 आएगा, 1/10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर। इतनी बात श्योर हुई कि नहीं? तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितना है? वैद्युत क्षेत्र कितना है? तो मान लो ये ए बी था, ए था, और थोड़ा इसको फाड़ के दिखाते हैं। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। इसको मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद इसका एक मध्य बिंदु ओ है, इस ओ बिंदु पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ए पर कितना आवेश है? तो ए पे जो आवेश है, ए पर आवेश है 3 माइक्रोकूलाम। बी पर जो आवेश है वो क्या है? -3 माइक्रोकूलाम, ठीक है। देखो ये आवेश है तो ये आवेश यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, ये भी आवेश है तो ये भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये जो 3 माइक्रोकूलाम है, तो 3 माइक्रोकूलाम द्वारा कहाँ पर? बिंदु ओ पर। कहाँ पर? बिंदु ओ पे ही निकालना था ना, तो बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पैदा कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा, तीव्रता निकालना है ये हो जाएगा। हम लोग जानते हैं तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4π ε0 Q/r², ठीक है, यही तो होता है। तो ये बराबर 1/4π ε0, और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10^9। क्या? 9। फिर Q/r², तो Q की वैल्यू क्या है? 3 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइक्रो, माने क्या? 10^-6। r², तो यहाँ की इतनी वैल्यू कितनी है? तो हम लोग जानते हैं जो पूरी वैल्यू है वो कितना है? 1/5। लेकिन अगर आधी वैल्यू निकालनी है तो इसमें 2 से भाग करोगे, तो 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे × 2 हो जाएगा, 2 5 10, 1/10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये 1/10 आएगी, और 1/10 अगर आई तो उसी का स्क्वायर करोगे, तो 1/10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 तरीक क्या है? 27 है कि नहीं? देखो 9 यहाँ पे -6 है, तो 9 से -6 जाएगा, और 10^9 क्या आएगा? 3। यहाँ देखो 1/10 का स्क्वायर है, 10 1 का वर्ग करोगे तो नीचे तो 1 ही आएगा, 10 का वर्ग करोगे 10 का स्क्वायर ऊपर चला आएगा, तो 10^2 हो जाएगा, नीचे बटा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 27 बचा, और +3 +2, तो 10^2 क्या आएगा? 5। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो ये निकल गया ई की वैल्यू, मतलब ई यहाँ पर, ये जो 3 माइक्रोकूलाम है यहाँ पे कितना बल लगा रहा है वो निकल गया, ठीक है। अब देखेंगे कि जो -3 माइक्रोकूलाम है वो यहाँ पे कितना बल लगा रहा है, तो ये देख लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि -3 माइक्रोकूलाम द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बी पैदा कर रहा है, मतलब बी बिंदु से पैदा हो रहा है, तो कह सकते हैं ई बी, इसका भी वही फॉर्मूला होगा 1/4π ε0 Q/r², तो 1/4π ε0 का वैल्यू क्या होती है? 9 × 10^9, क्या? 9। Q/r², तो मैंने पहले बताया कि जब ये सदिश राशि होती है तो यहाँ पर आवेश को चिन्ह सहित नहीं रख सकते, तो आवेश की वैल्यू क्या है? -3, तो सिर्फ रखेंगे 3 माइक्रो, का मतलब 10^-6, और /r², तो r की वैल्यू वही होगी 1/10, तो 1/10 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 10 का वर्ग नीचे करेंगे ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10 का वर्ग, ठीक है। फिर देखिए आगे, ठीक है, देखो 9 त्री कितना है? 27 है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। देखो 9 में से 9 2 11 में से 6 जाएगा, तो क्या आएगा? 10^5, वो भी क्या? न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धन से ऋण की ओर होती है, तो ये यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, यहाँ पे धन ऋण इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर पैदा होगी, या ऐसे कह सकते हो, इसको ढक लो, धन इधर है, अब ऋण को नहीं पता, तो ऋण मान लो उधर ही कहीं होगा, तो उधर ही कहीं होगा तो उधर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ए द्वारा पैदा हुआ है इसके द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए, लेकिन ये -3 माइक्रोकूलाम है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसके द्वारा वो इधर ही होगी, क्योंकि देखो ये निगेटिव है, तो जो ई बी की दिशा होगी वो भी इधर ही होगी,
यानी ईए जो मैंने निकाला, जो ईबी मैंने निकाला, दोनों का डायरेक्शन इधर है। इधर माने क्या? इधर है, देख लो, इधर है। तो जब डायरेक्शन एक होता है तब दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन विपरीत होता है दोनों को घटा देते हैं। तो ईए और ईबी की डायरेक्शन क्या है? सेम सेम है। तो अगर ओ बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो, ओ बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या करना पड़ेगा? ई बराबर दोनों को जोड़ लो, क्योंकि डायरेक्शन सेम सेम है, तो ई ए प्लस ई बी। अगर डायरेक्शन विपरीत होता तो यहाँ पे क्या करते, एक प्लस था तो एक माइनस हो जाता, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम सेम है इसलिए दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, देखो डायरेक्शन सेम सेम है कि नहीं, इसलिए दोनों पॉजिटिव। तो जोड़ेंगे तो इतना माने क्या? 27 × 10^5, और प्लस ई बी माने क्या? वही 27 × 10^5। ठीक है, दोनों में कॉमन है 10^5, अंदर बचा 27 और फिर बचा क्या? 27। 27 27 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 54 × 10^ क्या? तो 10^5, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर ए, यानी ओ बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है उसी में क्वेश्चन और कह रहा है कि यदि इतना कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए, मतलब ये जो आवेश है ये निगेटिव में है, तो यह परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा या कितना बल अनुभव करेगा? तो मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल तरीके से। देखो, इस ओ बिंदु की बात कर रहा है कि उस ओ बिंदु पर क्या कर रहा है? एक आवेश रख रहा है, आवेश की वैल्यू दिया है, मतलब आवेश की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ये कितना बल अनुभव करेगा, माने बल निकालना है या एफ निकालना है। बिंदु ओ पर अभी हमने निकाला कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल दी, निकाली कि नहीं निकाली? यहां पर तीन लोगों का खेल है, क्यू का, एफ का और ई का। क्यू दिया हुआ है, ई निकाला गया है अभी, एफ कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर होता है एफ वाई क्यू, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हमको बल निकालना है तो बटा 1 करेंगे और बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई आप करोगे ना, तो यफ करने में क्या आएगा? यफ बराबर क्यू का ई में गुणा करोगे तो आएगा क्यू इंटू ई। क्यू का मान दिया हुआ है, ई का जो मान है वो अभी निकाले हो। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो भी मिलेगा वो हो जाएगा बल। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो आज की वीडियो में रह देते हैं बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। ठीक है, बाकी जो 8 के आगे क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर अगला वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां से आप देख के पढ़ लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए।